हेलो बच्चों, मैं संतोष सर, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस। हिंदी में विमीय विश्लेषण कहते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस दिस टेक्निक में बी यूज फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर कन्वर्टिंग वन सेट ऑफ यूनिट, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इन टू अनदर एंड फॉर चेकिंग वेदर ए क्वान्टिटी इज पुट इन द प्रॉपर फॉर्म इन कैलकुलेशन। हम लोग उसकी वैल्यू प्रॉपर रखें कि नहीं, ये सब की चेकिंग और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशनल एनालिसिस। ये डिफिनेशन पूछने के बजाय बच्चों इसकी अक्सर कन्वर्जन या कह सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने हम लोग को आना चाहिए। ये बहुत कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे। एक छोटी सी यूनिट देखिए ज़रा आप लोग, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा किलोमीटर अगर ले लेते हैं तो किलोमीटर हेक्टोमीटर, किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर, डेकामीटर मीटर, डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। ठीक, इस तरीके से आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे बच्चों, किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। एक याद करने से क्या होगा बच्चों, आप तीन चीज़ें याद कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लिख लें जी किलोग्राम, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे हेक्टोग्राम हो जाएगा, यहाँ पे डेकाग्राम हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे फिर डेसी ग्राम, और यहाँ पे सेंटीग्राम सी जी, यहाँ पे मिलीग्राम। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे लीटर भी लगा सकते हो, तो इस तरीके से आप छोटी सी यूनिट आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे। तो इसके सब के बीच बच्चों 10 का डिफरेंस होता है। एक से अगर आप लोग बच्चों समझ जाते हो तो उसे नीचे आप यहाँ पे जी के स्थान पे हम लोग क्या ला सकते हैं, लीटर, तो किलो लीटर करके भी। तो यूनिट चेंज करने में कभी कभी हमने देखा बच्चों से, जैसे पूछा देखो एक किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर, तो यहाँ से हम लोग का क्या बन गया, एक किलोमीटर, यहाँ से देखिए एक किलोमीटर, तो एक किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है तो बच्चों देखो कितने 10 है, एक दो और एक यहाँ पे, तो कितने 10 है, 3 10 है। तो इन 3 10 को इन 3 10 को बच्चों आपस में मल्टीपल कर लीजिए, तो ये हो गया आपका क्या, 1000। तो किलो एक किलोमीटर बराबर बच्चों 1000 मीटर हो गया। तो यहाँ से कभी भी आपसे कोई पूछे, अगर एक बेसिक नॉलेज आप जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से कोई बच्चा यही पूछ लिया, तो यहाँ पे बच्चों कितना आया, 10 10 का इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो एक किलोमीटर इक्वल टू 100 डेकामीटर। हम देखते हैं अक्सर छोटी छोटी यूनिट में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ देखिए एक मीटर से यहाँ देखिए एक मीटर, और यहाँ सेंटीमीटर में कितने हैं, 2 10 है, तो यहाँ से क्या बन गया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आप लोग को अक्सर ये यूनिट कन्फ्यूज़ कर देती है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए बच्चों, अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएँ तो यहाँ से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी 10 6 आ जाएगा। तो अगर इसको हम पूछें कि 1 किलोमीटर इक्वल टू, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 10 कितना आ जाएगा, 6। लेकिन लास्ट के टॉपिक क्या है, मिलीमीटर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 6, ठीक है, या 10 लॉक्स हो जाएगा, 10 लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें भी यही चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, और लीटर आए तो लीटर में भी कर सकते हैं। अब ये दिक्कत आती है कि जैसे आपने सुन लिया कि चलो ठीक है, हमको बहुत अक्सर याद रहती है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो कोई सवाल आता है तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम इंटू करें कि डिवाइड करें, गुणा करें कि भाग करें। तो ये बेसिक चीज़ें देखिए, कब हम इंटू करेंगे कब डिवाइड, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर हम लोग बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे यहीं से एग्जाम्पल लिए, 1 मीटर से क्या हो गया, तो पता हो गया कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर से सेंटीमीटर में जब बच्चों इस डायरेक्शन में पूछा जा रहा है तो आपको इंटू करना है। और अगर ये सवाल उल्टा पूछ लिया कि सेंटीमीटर से किस में चेंज करना है,
मीटर में, तो उसी 100 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एक लाइन में। समझिए, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ऐसा कन्वर्जन लेफ़्ट टू राइट मीटर को सेंटीमीटर या किलोमीटर को मीटर में, तो आपको ये यूनिट याद हो कि 100 है कि 1000 है, वैल्यू याद हो, उससे आपको क्या करना है, इनटू करना है। अगर वो उल्टा पूछ लिया कि मतलब नहीं सेंटीमीटर को किस में बदलना बच्चों, मीटर में, तो आप उसी वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड। इस तरीके से आपको यूनिट तैयार रहेगी। तो ये कुछ यूनिट यहाँ पर लिखा गया है, किलोमीटर, एक किलोमीटर 10^6 होता है। इस तरीके से आप कई यूनिट नोट कर सकते हैं। एक लीटर इक्वल टू 1000 ml जानते होंगे आप। ऐसे कोई भी यूनिट, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, ये छोटे छोटे ये सब चीज़ें आपको पता होगा कि एक ईयर्स में 365 डेज, ठीक है, एक दिन में मिला के 24 घंटे, ये सब तो आपको पता, 60 मिनट, ठीक है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो छोटे छोटे यूनिट आपको याद होगा कि एक मिनट आपका हो जाएगा 60 सेकंड। जो कुछ और यूनिट है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने ये सब यहाँ ध्यान दीजिए, ये साइन होता है एंगस्ट्रॉम का। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है बच्चों 10^-10 meters। एक नैनोमीटर, याद रखिएगा, एक नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10^-9 meters। एक पीकोमीटर या PM लिख देंगे सिंबल, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, PM। तो PM मतलब नॉट प्राइम मिनिस्टर, पीकोमीटर। तो एक पीकोमीटर इक्वल टू होता है 10^-12 meters। एक माइक्रोन, एमयू की तरीके से सिंबल बना, एक माइक्रोन इक्वल टू 10^-6 meters। तो ये कुछ यूनिट आप नोट कर लेंगे, जिससे चेंज करने में, एक फारेनहाइट का यूनिट होता है फारेनहाइट, तो फारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5, और यहाँ पे सेंटीग्रेड प्लस 32, 9/5 सेंटीग्रेड और प्लस आपका हो जाएगा, मान लो इसको ऐसे कर लेते हैं, और प्लस 32, और एक आपने ये फारेनहाइट हो गया, ये आपका सेंटीग्रेड हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, इसे तो सेंटीग्रेड में रहेगा तो फारेनहाइट में निकाल लेंगे, फारेनहाइट में होगा तो ये, तो ये फार्मूला हो गया क्या, 9/5 सेंटीग्रेड और प्लस 32। एक होता आपने ज़रूर सुना होगा केल्विन, 9th class में था, केल्विन में जो भी डिग्री सेल्सियस होगा बच्चों उसमें 273.5 ये ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, की हमारी कैलकुलेशन क्या रहे, प्रॉब्लम ना आए, तो इस 15 को अवॉइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 273। तो इससे हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों क्या होती है कि डिग्री सेल्सियस में जितना ये रहे, तो इसको आप रख करके सॉल्व कर सकते हैं। छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, जैसे आपको सवाल आ गया, अभी सवाल करा देते हैं कुछ, तो ये सब यूनिट हो गई। कुछ यूनिट और नोट कर लीजिए, 1 decameter cube, 1000 centimeter cube, 1 liter, 1000 centimeter, 1000 centimeter। इस तरीके से कुछ यूनिट नोट करके आप इसके कन्वर्जन या इस टाइप के छोटे मोटे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ कन्वर्जन करते हैं। तो 9th class में आपने देखा होगा कि डिग्री सेल्सियस दिया रहता था, आपको केल्विन में चेंज करना होता है। तो एक दो एग्जांपल से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने एक सवाल दे दिया कि 27 degrees Celsius को केल्विन में चेंज करिए, 27, तो 27 बच्चों, 27 degrees Celsius को किस में चेंज करिए, केल्विन में ले आइए। तो आप अभी फार्मूला लिखे थे, तो केल्विन इक्वल टू, ठीक है, जो भी डिग्री सेल्सियस है उसमें क्या ऐड कर लेंगे, 273। तो इसकी वैल्यू कितनी दिया, 27। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 27 + 20, तो ये आप ऐड कर लेंगे,
इस तरीके से इसको चेंज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया माइनस, ये दे दिया एक सवाल, इसको आपको चेंज करना है केल्विन में, तो आप फिर वही फार्मूला लगाएं के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये है माइनस 100 प्लस 273, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती मत करना कि इसको ऐड ना कर देना, बिकॉज ये किस साइन में बच्चों, पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव, तो यहाँ से इस पॉजिटिव में से ये 100 माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 173 केल्विन। इस तरीके से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम अब हम और रखते हैं। जैसे एक सवाल है 60 किलोमीटर को किसमें चेंज करना बच्चों, 60 किलोमीटर को मीटर में। अब देखो कितनी छोटी चीज है कि आप पढ़े होंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है तो कितना है 60 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा इसमें इनटू हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 आप लगा देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 60,000, ये लेकिन क्या हो गया मीटर। अगर आप इसकी इच्छा करें तो पावर में भी चेंज कर सकते हो, पावर में क्या चेंज हो जाएगा 6, आप देखो कितने जीरो है 4, तो क्या लिख सकते हो 10 की पावर 4, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे दोनों सही है। तो अगर आपको ये यूनिट पता है तो आपको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा प्रॉब्लम है 200 kg, हम लोग एक सवाल ले लेते हैं, केजी को बच्चों कन्वर्ट करना है इनटू 200 केजी को किस में बनाना है, मिलीग्राम में। तो अभी हमने लिखा था आपसे कि 1 केजी, याद है किलोमीटर, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, और इसमें आप गए थे मिलीग्राम, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 की पावर 6 मिलीग्राम। तो अगर 1 किलोग्राम इसके पावर हो गया तो देयरफॉर ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 10 की पावर 6, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 10 की पावर 8, 6 और 2 8, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा mg। एक सवाल यहाँ पे है, मान लो तीसरा सवाल, 1 PM इंटू NM, ये सवाल देखिए बहुत ध्यान से, 1 PM को NM में बदलना है, 1 पिकोमीटर को 1 नैनोमीटर में बदलना है, तो आप बताइए 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता बच्चों 10 की पावर -12 मीटर। अब 12 माइनस होता है, अगर आपने अभी नैनोमीटर पढ़ा होगा, अभी यूनिट यहाँ पे लिखा था, तो 1 नैनोमीटर था 10 की पावर -9, तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, 9 और 3 ऐड करिए 12, तो अभी हम 8 भी लिख सकते थे, 8 लिख देते थे, यहाँ 4 लिखेगा, अब 9 ही क्यों लाया, क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हमें नैनोमीटर में बदलना है, तो इसलिए हमने 9 लाया। अब अगर इसको हम हटाएं तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा नैनो, तो यहाँ क्या बचा फिर 10 की पावर -3, ठीक है क्लियर करिए, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -12, नैनोमीटर में आंसर कर रहा है, इसलिए मैंने 9 लाया, क्यों, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है, 9 और 3 देखो बच्चों 12 है, लेकिन इस 10 की पावर 9 के स्थान पे हम लोग क्या लाएंगे n लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नैनोमीटर, तो यही तो बचेगा, तो 10 की पावर -3 नैनोमीटर। इस तरीके से छोटी छोटी यूनिट है जो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगला एक सवाल है बच्चों, 50 माइक्रोन को
50 माइक्रोन को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, शायद सेंटीमीटर में करना है। तो एक अगला सवाल, जो भी सवाल होगा नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 50, प्रॉब्लम है 50 माइक्रोन, 50 माइक्रोन को आपको कन्वर्ट करना है बच्चों सीएम में, सीएम मतलब सेंटीमीटर में। तो 50 माइक्रोन को आपको बदलना है सेंटीमीटर में। तो आप बताइए, एक माइक्रोन अभी हमने लिखा था म्यू, इसे बोलते हैं म्यू, एक माइक्रोन इक्वल टू 10^-6 मीटर, एक माइक्रोन इक्वल टू 10^-6 मीटर, बी कॉस कर सकते हो यार। तो देयरफॉर कितने पे बच्चों, 50 पे। तो ये हो जाएगा 10^6 इंटू 50। तो ये बच्चों, लेकिन जो भी हमारा आंसर आएगा, मान लो हम इंटू कर लें, तो यही आ गया 50 × 10^-6, लेकिन ये आया क्या, मीटर। सवाल हमसे मीटर में नहीं, किस में पूछ रहा, सेंटीमीटर में। तो अब थोड़ा सा मेहनत और करिए आप। अभी आपको यूनिट लिखाई गई कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता। तो इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 50 × 10^6 इंटू 100। तो जब इसमें इंटू कर दोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 500, नहीं, एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा, 5000 × 10^6। अब इस, ये माइनस, तो सॉरी, तो ये माइनस। अब इसको अगर हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, इस तीन जीरो को हमने ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब ये दोनों आपस में पावर सॉल्व होगी बच्चों, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये 6 में से ये 3 चला जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, क्या बचेगा, -3। हाँ, और यहाँ पे क्या यूनिट आ जाएगी, 5 × 10^-3 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरीके से छोटे छोटे कन्वर्जन है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ आ रही है, जैसे हम लोग मोलर मास निकालना, एक भी देखो जाए तो बच्चों छोटे क्लासों की चीज़ है। अगला टॉपिक हमारा बच्चों मोलर मास, ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MM भी बोल सकते हैं। तो इसे मोलर मास भी कहते हैं बच्चों, या हिंदी मीडियम के बच्चे इसको अणुभार भी बोल सकते हैं। तो मोलर मास हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी चैप्टर में कई चीज़ें आएंगी, जैसे मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, तो उसमें आपको मोलर मास आना चाहिए, कुछ बच्चों को पता भी होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, वाटर, वाटर का हमें मोलर मास, थोड़ा सा हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, इनका एटॉमिक वेट होता कितना है, एटॉमिक वेट या हिंदी में परमाणु भार भी कहते हैं, एच का 1 होता है, ओ का 16 होता है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है 8 है, ये 16 है, हम लोग ऊपर की बात कर रहे हैं। जो बच्चों ऊपर वैल्यू हो वो दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट है, इसे हम बच्चों ए से डिनोट करते हैं। जो नीचे वाला होता है ये तो एटॉमिक नंबर है, इसे जेड से शो करते हैं। तो मोलर मास में फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एटॉमिक वेट, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दी से 8 बोल देते हैं, नहीं है, जैसे और कोई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, Na है, तो यहाँ पे क्या होगा 11, ये क्या है 23, तो हमें इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम ऐसे खैर लिख देंगे, जो जैसे अब वाटर का निकालना है बच्चों मोलर मास, तो MM लिख दिया मैंने, H का एटॉमिक वेट कितना हुआ 1, इसमें 2 लगा हुआ है, 2 से इंटू कर दीजिए, 1 इसका एटॉमिक वेट होता है, इंटू 2 कर दोगे, दूसरा एलिमेंट आएगा प्लस के साइन, ऑक्सीजन का कितना होता 16, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा बच्चों 18। इतना पढ़िए, इतना यार कि कभी भी वाटर आए तो आप सीधे क्या बोल सकते हो, अरे वाटर आए, वाटर का मोलर मास या हिंदी में अणुभार इसका कितना होता है 18 होता है। तो कहीं भी वाटर मिले तो आप 18 बोल सकते हो, अदरवाइज निकालने आए। तो ऐसे कुछ एग्जांपल के जो फेमस है उसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं, जैसे ये आ गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na का कितना होता है 23, बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये, तो यहाँ पे इसका बच्चों अगर हम मोलर मास निकालें तो सोडियम का कितना होता है 23, प्लस के साइन तुरंत लगाइए, 16+1, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा 40 आ गया। अगर हम लोग थर्ड निकालें जिसका नाम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत फेमस एसिड है, इसका अगर MM निकालें तो सल्फर नई चीज़ आ गई, तो यहाँ पे सल्फर का रख देते हैं 32, तो अब 1 × 2
तो 1 × 2 डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए प्लस ऑक्सीजन 16 × 4 करो तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 98। तो इस तरीके से आप किसी भी फार्मूले के एटॉमिक वेट अगर आपको पता है उस एलिमेंट का, तो उसका मोलर मास आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक बहुत फेमस यूरिया, यूरिया जो खेत वगैरह में डाला जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। इसका अगर हम लोग बच्चों मोलर मास निकालें तो एन का क्या होता है 14, एन का कितना होता है 14। तो यहाँ पे रखोगे 14 प्लस 1 × 2 हो गया, प्लस कार्बन 12 प्लस 16 प्लस नाइट्रोजन फिर आ गया 14 प्लस 1 × 2, आप इसको ऐड करिए तो करीब 60 आ जाएगा। तो 60 इसका यूरिया का मोलर मास हो गया। ऐसे कई हैं, जैसे आपने मान लीजिए ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज इसका क्या फार्मूला था, 6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसका बच्चों अगर हमें mm निकालना है, कार्बन 12 × 6, ठीक है 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 6, ठीक है। इसको जब आप ऐड करके सॉल्व करिए तो करीब कितना आ गया 180। तो इस तरीके से आप शुगर सुना होगा, शुगर जिसे हम लोग चीनी शक्कर बोलते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सुक्रोज भी कहते हैं, तो इसका फार्मूला C12H22O11, ठीक है। शुगर का फार्मूला क्या, C12H22O11। इसका भी हम अगर mm निकालें तो फिर कार्बन का बच्चों 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11, ठीक है। तो इसको आप कर से 12 × 12 कर लीजिएगा 144। तो पूरा सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 342। तो इस तरीके से बच्चों जो जो फेमस हैं, आप कई बार इसको सॉल्व करोगे लगाओगे तो इसके करीब करीब आपके मोलर मास क्या हो जाए, लर्न हो जाए, और नहीं तो कम से कम निकालने आना चाहिए, नहीं तो आगे जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आपको क्या होगी, दिक्कत आएगी। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए, बाकी आपको शायद मोलर मास निकालने पता भी रहा होगा और निकल आ गया। जैसे एक है सोडियम कार्बोनेट, इसका अगर mm निकालना है तो ये Na 23 × 2 प्लस 12 प्लस 16 × 3 इस तरीके से आप इसके सब 106 आ गया। तो इस तरीके से किसी के भी आप मोलर मास क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे एक देख लीजिए ऑक्जैलिक एसिड है, अक्सर आ जाता है ऑक्जैलिक एसिड। पहले बच्चों हमें ऑक्जैलिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए। ऑक्जैलिक एसिड इसका फार्मूला होता है H2C2O4.2H2 लगे रहते हैं। कुछ मालिक्यूल्स के साथ आप देखते होंगे वाटर लगे रहते हैं, जिसे आप क्रिस्टलाइन कहते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा 10th वगैरह में भी वाशिंग सोडा का नाम सुना होगा, सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ कितने 10 वाटर लगे रहते हैं। कॉपर सल्फेट दैट इज कॉल्ड ब्लू विट्रियल, उसके साथ 5 वाटर। ऐसे हमारे ऑक्जैलिक एसिड के साथ कितने वाटर मालिक्यूल्स हैं। इसका बच्चों अगर हम मोलर मास निकालें, इसका मोलर मास निकालें तो यहाँ पे एच का 1 × 2 प्लस कार्बन 12 × 2 प्लस 16 × 4 यानी 16 × 4 प्लस, अभी हमने बताया था कि वाटर का कितना होता है 18, लेकिन 2 लगा हुआ है तो तुरंत ध्यान दीजिए डॉट लगा है तो प्लस ही रखना है। प्लस वाटर का कितना अभी सॉल्व किया था 18, अन्य ऐसे सॉल्व कर लो 1 × 2 प्लस 16, तो ये क्या हो गया 18 × 18 = 36। तो इसको जब ऐड करिएगा आप तो 90 करीब आ जाएगा, और ये 36 ये दोनों ऐड करेंगे तो आप ये हमारा ऑक्जैलिक एसिड। तो किसी भी फार्मूले के अगर हमें मोलर मास निकालना बच्चों, तो उसका हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट
ये सिंबल बच्चों अक्सर जो है दे दिया जाता है बोर्ड में, और नहीं तो जो चार पांच छह एलिमेंट है ऐसे घूम घूम के कई बार आपके नज़रों से गुजरेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर कैसे कोई जैसे मान लो टफ आ गया तो अक्सर दे दिया जाता है, जैसे सिल्वर आ गया तो सिल्वर का एक थोड़ा टफ है 108 है, ब्रोमीन आ गया तो 80 है, तो आपको दे दिया जाएगा। और बाकी आपको मेथड पता होना चाहिए मोलर मास। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।